नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कि क्या 28 साल की उम्र के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है उनके लिए ये एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, या जिनके परिवार में कोई मांगलिक है उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मंगल दोष होता कब है, और उसके बाद ये बताएंगे आपको कि क्या 28 साल यदि पूरी हो जाए तो उसके बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है या बना रहता है। इसको लेकर के बहुत मतभेद हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी अपनी राय है, तो इस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंगल दोष कब होता है। आपको यदि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि आप मांगलिक हैं तो आप अपनी कुंडली खोल करके अभी सामने रख सकते हैं, और हम जो बता रहे हैं वो देखते जाइएगा। अगर वो चीज़ें हैं तो आप मांगलिक हैं, नहीं हैं तो आप मांगलिक नहीं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि लग्न जो बीच वाला घर होता है उसमें यदि मंगल बैठा है, यदि चौथे घर में मंगल बैठा है, यदि सातवें घर में मंगल बैठा है, यदि आठवें घर में मंगल बैठा है और यदि बारहवें घर में मंगल बैठा है तो मंगल का प्रभाव होता है, मांगलिक आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं, उस जातक को कह सकते हैं। यानी लग्न में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और बारहवें घर में। कितने भाव हो गए? लग्न पहला भाव, चौथा घर दूसरा भाव, सातवां घर तीसरा, आठवां घर चौथा और बारहवां घर पांचवा। इन पांच घरों में, इन पांच भावों में यदि मंगल बैठा हो तो मंगल दोष होता है। बाकी घरों में अगर हो तो मंगल का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता, उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ लोग कह देते हैं ना कि आंशिक मांगलिक हैं, आंशिक मांगलिक की वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो पांच प्लेस आपको बताए, पांच घर बताए, पांच भाव बताए, इनमें यदि मंगल बैठा है, लग्न, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और बारहवां घर, आप अपनी कुंडली खोल करके देख लीजिए। अगर यहाँ मंगल बैठा है तब मंगल दोष है, अगर यहाँ मंगल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरी बात कि मान लीजिए कि मांगलिक हैं तो क्या मंगल का प्रभाव, मंगल दोष का प्रभाव 28 साल की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है। जिन लोगों की एज 28 कंप्लीट हो गई है, क्या अब उनको मंगल दोष से घबराने की ज़रूरत नहीं है? मान लीजिए कि किसी की कुंडली में मंगल इन स्थानों में बैठा है, जो स्थान हमने आपको बताया, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, बारहवां भाव। तो अगर इन स्थानों में मंगल बैठा है और उम्र 28 के पार हो गई है तो क्या मंगल दोष समाप्त हो गया, अब इनको डरने की ज़रूरत नहीं है? इस बात को लेकर के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स में मतभेद है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, ऋषि मुनियों में भी इस बात को लेकर के मतभेद रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल जो है एनर्जी का कारक प्लैनेट है। मंगल का स्वभाव समझेंगे तो इस बात को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मंगल जो है एनर्जी का कारक प्लैनेट है, ऊर्जा का कारक प्लैनेट है। आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, वो ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा शरारत करते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं, क्योंकि एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है। तो जहाँ एनर्जी होती है वहाँ मंगल ज़्यादा पावरफुल होता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो हमारा जो एनर्जी है उसका लेवल धीरे धीरे करके कम होने लगता है। जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े आराम से उठते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं, लेकिन जो यूथ है, 17 साल का यूथ है, 15 साल का यूथ है, बड़े तेज़ी से चलता है और जल्दी जल्दी बोलता है, उसको गुस्सा भी जल्दी आता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है, दौड़ लगा लेता है। लेकिन जो 50 जिसकी एज पहुंच गई है वो उतना फास्ट नहीं दौड़ सकते हैं, उनका एनर्जी का लेवल कुछ कम हो जाता है, 1-2% लोगों की बात छोड़ दीजिए। तो है क्या कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाता है। तो मंगल का वास युवाओं में ज़्यादा होता है, इसीलिए कहते हैं ना युवा शक्ति, यूथ पावर युवाओं में ज़्यादा होता है। तो
अगर आप मांगलिक हैं और युवा हैं तो नेचुरली जो है मंगल का इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो एनर्जी लेवल भी कम होगी और मंगल का इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा। देखने को ये मिलता है, जो बहुत सारी मांगलिक कुंडलियाँ हमने देखी हैं, बहुत सारी देखी हैं, तो उनमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो मांगलिक लोग होते हैं, यानी जिनकी कुंडली में लग्न घर में सातवें घर में आठवें घर में और बारहवें घर में मंगल बैठा हो, तो ऐसे मांगलिक लोगों की शादी थोड़ा सा देरी से होती है। यानी शादी में ये कह लीजिए बाधाएं आती हैं, या ये कह लीजिए मैच नहीं होता है, तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है, डिले होता है, और 28 पहुँचते पहुँचते 29 पहुँचते पहुँचते 30 पहुँचते पहुँचते शादी हो जाती है। यानी अमूमन 30 पहुँचते मांगलिक लोगों की मैरिज हो जाती है 28 से 30 के बीच में। अब ये है कि भाई मंगल दोष समाप्त होता है कि नहीं, देखिए मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। हमारा जो व्यक्तिगत रिसर्च है, जो हमारा अनुभव है, उसके आधार पे ये कह सकते हैं कि मंगल दोष तो जीवन भर समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और ऐसे लोग यदि समझदारी से काम करें तो उनका जीवन अच्छा बीतेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यदि आप मांगलिक हैं और 28 से ऊपर आपकी एज हो गई है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना मंगल दोष से डरने की ज़रूरत है, ना किसी भी तरह की मन में जो है घबराहट ज़रूरत है, कोई टेंशन रखने की ज़रूरत है। मंगल का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। बस जो भी कार्य करें जीवन में समझदारी से करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बचें, जल्दी से उत्तेजना ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं, अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें, और पारिवारिक जीवन में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी जो है बहुत जल्दी उत्तेजित ना हो, लड़ाई झगड़े से जितना कोशिश करें बचें, और दूसरों के भावों को समझें, विचारों को समझें, सम्मान दें, तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यदि जीवन जीना है ना, तो एडजस्टमेंट करना सीखना होगा, और जिसने एडजस्टमेंट करना सीख लिया उसका कोई भी दोष, चाहे मंगल दोष हो चाहे कोई भी दोष हो, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका जीवन आगे अच्छा होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मंगल से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा, यदि आप मंगल दोष से संबंधित जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।